हैदराबाद के इस मकाम पर जहां हम बैठे हुए हैं, ओल्ड सिटी यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो नेक काम किए जा रहे हैं, यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि जिनका मैं सहारा लेकर इनकी तारीफ कर सकूं। ये ज़माना बड़ा मसरूफ़ तरीन ज़माना है कि आज हमने पूरी दुनिया में देखा है कि भाई भाई को वक्त नहीं दे रहा है, दोस्त दोस्त के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, माँ बाप के लिए औलाद वक्त नहीं दे पा रही है। ख़ास करके मुसीबत के वक्त तो बड़े बड़े लोगों का इम्तिहान होता है, नज़र नहीं आते। लेकिन जब मैं इस जगह पर देख आया और आकर मैंने महसूस किया कि वो लोग के जिनको दफनाने के लिए, जिनको कफनाने के लिए सिर्फ दिन के उजालों में नहीं बल्कि रात के अंधेरों में उनके अज़ा भी साथ छोड़ देते हैं, उनके लिए ओल्ड सिटी यूथ वेलफेयर सोसाइटी शाने से शाना मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर इस गम की घड़ी में साथ देती है। यकीनन खुशियों में तो हुजूम होता है, मगर उस वक्त जब कफन देने का वक्त हो और दफनाने का वक्त हो, बड़े मुश्किल से लोग साथ देते हैं। वेलफेयर सोसाइटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो इस अहम सवाब के काम में एक साथ लगकर दामे दिरहमे सुखने दफना कर जो सवाब हासिल करते हैं कि यकीनन दफ्तर छोटे पड़ जाएंगे और इनका सवाब नहीं लिखा जाएगा। मेरी नेक ख्वाहिशातें और मेरी बेपना दुआएं और बेपना तमन्नाएं इनके साथ हैं कि परवरदिगार इनकी ज़िंदगी और आखरत में चार चांद लगाए, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, गमों से दूर रखे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो खुदा के बंदों की मदद करते हैं। वस्सलाम।